पॉइंटेड जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है H9N2 वायरस। ये अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी चर्चा में रहने का जो मुख्य कारण है वो है कि देश में इन्फ्लुएंजा वायरस ए के एक दुर्लभ उप प्रकार H9N2 वायरस का पहला मामला सामने आया है और ये भारत के जो है महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ का जो मेलघाट जिला है, मेलघाट जिले के कोरकू जनजाति में जो है H9N2 वायरस जो है देखा गया है। यहाँ पे दोस्तों UPSC के लिए और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए कुछ फैक्ट बन रहे हैं उसको याद रखिएगा। पहला तो ये कि H9N2 है क्या, ये जो है इन्फ्लुएंजा वायरस ए का एक दुर्लभ उप प्रकार है और ये भारत के किस राज्य में पाया गया है, तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है। और कौन सी जनजाति के अंतर्गत, तो ये है महाराष्ट्र की कोरकू जनजाति। अब आगे देखते हैं कि H9N2 वायरस है क्या। H9N2 वायरस जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस ए का एक उप प्रकार है जो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू के का भी कारण होता है। यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस ए का जो उप प्रकार H9N2 है इसके द्वारा ह्यूमन इन्फ्लुएंजा और साथ में बर्ड फ्लू ये दोनों ही उत्पन्न होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये मुख्यतः जंगली पक्षियों में पाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन यानी कि NCBI के अनुसार जो है H9N2 वायरस जंगली पक्षियों में विशेष रूप से पाया जाता है। और जंगली पशुओं के साथ साथ ही जितने पोल्ट्री फार्म्स होते हैं यानी कि जहाँ पे मुर्गी पालन होता है या बत्तख पालन किया जाता है वहाँ से भी जो है ये वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आगे देखते हैं, मनुष्यों में H9N2 वायरस का पहला मामला वर्ष 1998 में हांगकांग में सामने आया था। इसको याद रखिएगा कि मनुष्यों में पहला मामला कब सामने आया था, तो ये 1998 में आया था। कहाँ पे आया था, हांगकांग में आया था, ये इम्पॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा। H9N2 RNA प्रकार का वायरस, इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा H9N2 वायरस किस प्रकार का वायरस है, तो ये है RNA प्रकार का वायरस। दोस्तों दो प्रकार के वायरस होते हैं, एक DNA प्रकार का और एक RNA प्रकार का। आगे देखते हैं कि H9N2 जो वायरस है इसका लक्षण क्या होता है। वायरस का जो सामान्य लक्षण है यह है बुखार, खांसी, श्वसन क्रिया में बाधा जैसी समस्या जो है इसका जो है प्रमुख लक्षण होता है। और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा जो है फैल जाता है। इसके साथ एक नोट याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, वर्ष 1966 में H9N2 का पहला मामला संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कोसिन में प्रवासी पक्षियों के झुंड टर्की फ्लोक्स में देखी गई थी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखने वाला है कि प्रथम बार मनुष्यों में 1998 में हांगकांग में देखा गया था और पक्षियों में H9N2 का वायरस जो है सबसे पहले जो है 1966 में, याद रखिएगा कौन से वर्ष में, 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कोसिन में प्रवासियों पक्षी जो होती है टर्की फ्लोक्स में देखा गया था। इसके साथ दोस्तों आप जान लीजिए, जैसे हम बात कर रहे हैं वायरस, तो वायरस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि वायरस जो है यानी विषाणु एक सूक्ष्म जीवी है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर ही अपना विकास और प्रजनन करता है। विषाणु स्वयं को जीवित रखने एवं अपनी प्रतिकृति तैयार करने हेतु जीवित कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं। और आपको मैंने आगे बताया भी था कि वायरस के कितने प्रकार होते हैं, तो वायरस जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक DNA प्रकार का और दूसरा होता है RNA प्रकार के। दोस्तों अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।